यूथ कांग्रेस द्वारा पेट्रोल और डीजल के आसमान छू रहे दाम के विरोध में पुतला दहन एवं मशाल रैली का आयोजन रखा गया था, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। यूथ कांग्रेस के इंदौर उपाध्यक्ष सनी गवाही ने बताया, हम जनहित की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे ताकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टैक्स कम कर जनता को राहत दे, लेकिन प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी। अगर आगे भी हमें अनुमति नहीं मिलेगी तब भी हम जनता की आवाज़ आने वाले समय में ज़रूर उठाएंगे। इंदौर से राजा खान की रिपोर्ट। हमने सोचा था कि जो तेल और डीजल और पेट्रोल है उसके दाम जो आसमान छू रहे उसके विरुद्ध हम जनहित की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे कि उसके ऊपर माननीय शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी अपना टैक्स कम करें, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ी है वो इस टैक्सों की वजह से दोहरी मार झेल रहा। तो हमने प्रशासन से अनुमति मांगी थी प्रदर्शन के रूप में, हमारा विरोध प्रदर्शन कम करना चाहते थे मगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, इसलिए आज हमने प्रोग्राम रद्द कर दिया। मगर आगे हम शांति नहीं बैठेंगे, प्रशासन हमें अनुमति नहीं भी देता है तो आज नहीं तो कल हम हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और आज नहीं तो कल जनता की आवाज़ उठाएंगे। किस तरह का विरोध प्रदर्शन करने वाले थे हम? आज नरेंद्र मोदी जी का और शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला दहन था और एक मशाल यात्रा हमारी यूथ कांग्रेस की ओर से थी जो हम हमारे कॉलोनी में घुमाना चाहते थे, मगर प्रशासन ने हमें समय रहते रोक दिया बिना परमिशन के, तो हमने ये अभी रद्द कर दिए कुछ समय के लिए, मगर समय रहते इस प्रोग्राम को हम करेंगे। आपका नाम और पद? सन्नी गवाई, इंदौर उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस।